हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेखा फैमिली फूड में। आज की रेसिपी है भरवा करेला। तो आइए देख लेते हैं हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। हमने यहाँ पर लगभग 500 ग्राम करेले लिए हैं, 3 प्याज लिए हैं, 10 से 12 कलियाँ लहसुन की, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम कुछ सूखे मसाले रोस्ट करेंगे, तो आइए देख लेते हैं। हमने एक पैन ले लिया है, उसमें हम डालेंगे आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मस्टर्ड सीड यानी कि राई, 1 चम्मच जीरा, इन्हें चटकाएंगे, थोड़ा भूनेंगे। अब हम लेंगे 1 चम्मच सौंफ, सारी चीज़ें अच्छे तरह से रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम बंद कर देंगे, 8 से 10 सेकंड गरम पैन पर ही चलाएंगे। जब हमारा मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो हम इसको कूट लेंगे। अब हमें सारे करेले के छिलकों को छिलनी या चाकू की हेल्प से हटा देना है। इस तरह से हम सारे करेले के छिलकों को अलग कर लेंगे। हम इन करेले के छिलकों को फेंकेंगे नहीं, बल्कि मसाले में यूज़ करेंगे। आधा चम्मच नमक डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे इनका कड़वापन हट जाएगा और फिर हम इनको मसाले में यूज़ कर लेंगे। वीडियो पूरा देखें ताकि कोई चीज़ छूटे ना। ग्राइंडर जार में 10 से 12 कलियां लहसुन की लेंगे, मोटे टुकड़ों में कटी हुई प्याज लेंगे और अच्छी तरह पीस लेंगे। आप चाहें तो पीसने के लिए सिलबट्टे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर कद्दूकस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह से एक बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। हमने जो सूखे मसाले लिए हैं वो भी अब ठंडे हो चुके हैं, उनको भी हम कूट लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कूटना है दोस्तों, दरदरा कूटना है। करेलों को हमने इस तरह से कट कर लिया है, आप देख सकते हैं दोस्तों, लंबाई में कट किया है ताकि हम इसमें मसाला अच्छी तरह से भर सकें। बीज हमने हटा दिए हैं, बीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। करेले के छिलकों को रखे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, इनसे पानी अलग हो गया है, इस पानी का यूज़ नहीं करना है। कढ़ाई में तेल लेंगे, तेल गर्म हो जाने पर लहसुन और प्याज का जो पेस्ट बनाकर रखा हुआ है उसको डालेंगे और अच्छी तरह से चलाते हुए भूनेंगे। मीडियम लो फ्लेम पर प्याज को अच्छी तरह से भूनेंगे 3-4 मिनट तक। 3-4 मिनट हो गए हैं, प्याज लगभग हमारी भुन गई है। अब इसमें हमें ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1.5 मिनट तक और चलाएंगे। अब हम इसमें करेले के जो छिलके रखे थे उनको डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे और अच्छी तरह से चलाएंगे। नमक हमें स्वाद अनुसार लेना है। अगर आप मसाले में खट्टापन चाहते हैं तो आधा चम्मच अमचूर पाउडर ऐड करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका मसाला लाल कलर का दिखे तो उसमें कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच ऐड करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 1.5 चम्मच कुटा हुआ मसाला, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ज़रा सी हींग ऐड करेंगे, अच्छी तरह मिला देंगे। मसाला पूरी तरह से तैयार हो चुका है, अब हम इसे ठंडा करेंगे। इसके बाद करेलों में भरेंगे। इस तरह से हमने सारे करेले भरकर तैयार कर लिए हैं।
आप देख सकते हैं दोस्तों सारे करेले भर चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। चलते हैं हम अपनी कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में हमने एक बड़ा चम्मच तेल ले लिया है। बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे दोस्तों, क्योंकि हम इसको तेल में फ्राई नहीं करेंगे, हल्का सा पानी भी यूज़ करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें सारे करेले डाल देंगे। इस तरह से करेले बनाएंगे तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे, छोटे बड़े सभी शौक से खाएंगे। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। हम करेलों को कम तेल पर पका रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, ढक्कन लगा देंगे और 3 से 4 मिनट पकने देंगे। इस बीच 2-3 बार चेक कर लेंगे करेलों को, आगे पीछे कर कर पका लेंगे, इससे करेले चारों तरफ से अच्छी तरह पकेंगे। आप देख सकते हैं करेले आधे से ज़्यादा पक चुके हैं। अब जो हमारा थोड़ा सा मसाला बच गया था वो भी हम ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को पूरी तरह से लो कर देनी है और अच्छी तरह से मसाले को मिक्स कर देना है और ढककर 1-2 मिनट के लिए छोड़ देना है। गैस की फ्लेम को लो रखना है। इसे पकाने में 12 से 15 मिनट लगा है। करेले पक चुके हैं, फोक की मदद से चेक कर लेंगे। करेले अच्छी तरह से पक गए हैं, अब हम इनको प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। भरवा करेले की सब्ज़ी तैयार हो गई है, हरी धनिया पत्ती डालकर गार्निश कर लेंगे। इस रेसिपी को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।